तो ये रहा मेरे पास Vivo X60 स्मार्टफोन। इसके आपको टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने Vivo X60 स्मार्टफोन को बहुत ही ऑसम इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ ऑसम बताए हों। तो आप देखना इस वीडियो को एंड तक अपने स्मार्टफोन को ऑसम करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक के बाद आई प्रोटेक्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐसे इसको ऑन कर लेना है। डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसकी कैपेसिटी को यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं और सनसेट सनराइज भी कर सकते हैं। रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और सुबह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर मैं कहूं तो आप आई प्रोटेक्शन को इसको एनी टाइम यूज करना ही है, क्योंकि इस तरह से आपका डिस्प्ले कलर हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके स्क्रीन का। तो चलिए यहां पर बात करते हैं दूसरे फीचर की। तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहां पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर बताया, तो यहाँ पर डार्क थीम दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ऐसे डार्क मोड को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके स्क्रीन का, आप ज्यादा फोन यूज करते हैं तो। एक और बात, आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, इसलिए आपको इसको जरूर यूज करना है। यहाँ पर बात करते हैं तीसरे फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन कलर्स है, यहाँ पर आप स्क्रीन कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल है, ब्राइट है और स्टैंडर्ड मोड है, जैसे आपको जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। और कैपेसिटी को इसकी भी कम ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं चौथे फीचर की। चौथे फीचर की बात करने के लिए फॉन्ट साइज दिख रहा होगा आपको। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप अपने फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स। इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं पांचवी फीचर की। तो क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉन्ट स्टाइल। आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर लेना, एक आपको मिलेगा एक्स्ट्रा भी, आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। छठे फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। कुछ यहाँ पर ज्यादा फीचर मिलते हैं, वो आपको सारे फीचर्स बता रहा हूँ यहाँ पर। और हम देखें स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इसको ऑन कर लेना है। अगर आप डेटा यूज कर रहे हो, सिम कार्ड डालकर डेटा यूज कर रहे हो, तो आपका डेटा कितनी स्पीड चला है यहाँ पर ऊपर बता देगा, इसलिए इस सेटिंग को आपको ऑन करना है, इसको यूज करना है। यहाँ पर सातवें फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में ठीक नीचे दिख रहा है बैटरी परसेंटेज। आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद ये सेटिंग ऑफ रहती है, ऐसे ऑन कर लेना, आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं आठवें फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और इसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन सेवर है। यहाँ पर स्क्रीन सेवर में आप क्लॉक कर सकते हैं, या तो आप फोटो कर सकते हैं। आप फोटो करेंगे ना तो आप चार्जिंग लाने के बाद जो फोटो आप सेलेक्ट करके रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे। लॉक स्क्रीन पर आप क्लॉक कर लेना, अगर मैं कहूँ तो इस तरह से आप चार्जिंग लाने के बाद कितनी देर हो आप चार्जिंग लाकर वो यहाँ पर बता देगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर नाइन फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। आप इसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रख सकते हैं। आप 120 हर्ट्ज रखेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा, इसलिए आपको 120 हर्ट्ज कर लेना। एक और बात, आप 120 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। आप 60 हर्ट्ज भी रख सकते हैं और स्मार्ट स्विच भी कर सकते हैं। आप स्मार्ट स्विच कर लेना अगर मैं कहूँ तो। आप ज्यादा ही आपका स्मार्टफोन स्मूथ चले आप ऐसा चाहते हैं तो 120 हर्ट्ज कर सकते हैं, बैटरी तो ज्यादा कंज्यूम होगी, एक बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं दसवीं फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टॉप एरिया डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में ये जो पंच होल जो कैमरा है ना ये हाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं क्रोम को, तो यहाँ पर यहाँ पूरा ओपन कर लिया क्रोम को, तो हाइड द फ्रंट कैमरा है, यहाँ इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और हम यहाँ पर अभी क्रोम को ओपन करेंगे ना तो ये कैमरा हाइड हो जाएगा। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को आप यहां पर कर सकते हैं। 11 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद और आपको यहां पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये ऑफ रहता है आपका, इसको ऑन कर लेना। और स्क्रीन ऑफ स्टाइल मतलब स्क्रीन के स्टाइल से यहां पर वो भी आप सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले इसको यहां पर ये सेलेक्ट कर लेता हूं, अप्लाई कर लेता हूं। यहां से अप्लाई करने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अप्लाई हो जाएगा। डिस्प्ले मोड है, यहां पर डिस्प्ले मोड पर आप डिस्प्ले ऑल डे कर लेना। 12 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और
और आपको आना है इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहाँ पर थीम्स दिख रहा होगा आप, इसमें एक एक्स्ट्रा आपको थीम मिलता है, इसको ऐप अप्लाई कर लेना, अपने जो एप्लीकेशन वगैरह है ना सब कुछ मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा और भी आपको थीम चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो और भी आपको अलग अलग तरह तरह के थीम्स मिलेंगे अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई वगैरह करने के लिए, स्टाइलिश वगैरह करने के लिए। 13 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर दिख रहा होगा वॉलपेपर्स, आपको कुछ यहाँ पर वॉलपेपर्स मिलते हैं, इतने वॉलपेपर्स आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो वॉलपेपर आप सेलेक्ट कर लेना जो आपको, और आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर भी मिलते हैं, आप देखते हैं ये रहे लाइव वॉलपेपर। इस तरह से आपको जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगता है, ये रहा आप देख सकते हैं कितना कूल सा दिखता है, आप देख सकते हैं कितना कूल सा दिख रहा है। इस तरह से आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग मतलब लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। लॉक स्क्रीन पोस्टर है ना, ये क्या आपको बताते हैं, लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर हर बार चेंज होता है, आप देखते हैं जब भी हम लॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो वॉलपेपर एक ही रहेगा, लॉक स्क्रीन वाला बार बार चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 15 फीचर की। 15 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर होम सेटिंग आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैज, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो मैसेज वगैरह सब कुछ बता देगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री बता देगी। यहाँ पर बात करते हैं 16 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है, यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप एड लाइटिंग ऑन कर सकते हैं, अलवाइज ऑन डिस्प्ले इसको ऑन कर लेना, तो आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इसको कस्टम टाइम होना, इसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल्स, और इनकमिंग कॉल्स आपको जब भी कॉल आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगी, तो आप देख सकते हैं कितना कूल सा दिखता है आपका स्मार्टफोन। इस तरह से एड लाइटिंग लगेगी आपको कॉल वगैरह आने के बाद में, इस तरह से आप कर सकते हैं एड लाइटिंग। आपको कॉल आने के बाद कैसी लाइट लगना चाहिए वो भी आप यहां पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। उसके बाद आते हैं बैक बैक अगर बात करते हैं, और नीचे आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन है। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में एड लाइटिंग लगना चाहिए वो भी आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके यहाँ पर दिख रहा है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आने के बाद में एप्लीकेशन के लिए लाइट कैसी चाहिए एड लाइटिंग वो भी आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है वो जो आप सेलेक्ट करके रखें तो नोटिफिकेशन लाइट लगेगी। यहाँ पर बात करते हैं 17 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद लाइट इफेक्ट मतलब डायनेमिक इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अनलॉक एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन आप देख दें, अभी फिलहाल ये नॉन है, ये क्या आपको बताते हैं, अभी हम अनलॉक करके आएंगे होम स्क्रीन पर, एंट्री लेंगे तो आप देख दें एंट्री लेने के बाद में अभी कुछ भी आ रहा नहीं, तो अभी इसको यहाँ से अप्लाई कर लेंगे इसको सेलेक्ट करके, तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर एंट्री लेने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से जूम होकर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक इफेक्ट आएगा, एक एनिमेशन आएगा, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 18 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में, और डायनेमिक इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन है, आप देख सकते हैं आप फिंगरप्रिंट सेंसर लगा कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं इतने आपको एनिमेशन मिलते हैं, जो आपको एनिमेशन चाहिए थंब का वो आप यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई कर लेना। एक स्टेप बैक आते हैं, बैक अगर बात करते हैं भी 19 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा है फिंगरप्रिंट, आप ये अनलॉक करते वक्त फिंगरप्रिंट अनलॉक करते वक्त आपको यहाँ पर ये भी एनिमेशन मिलते हैं, इस तरह से आपको ये कुछ डिजाइन मिलते हैं, ये आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर लेना। आप अनलॉक करते वक्त वो भी डिज़ाइन मतलब वो एनिमेशन आएंगे। तो बात करते हैं एक स्टेप बैक अगर 20 फीचर की, 20 फीचर की बात करने के लिए, और आपको यहाँ पर दिख रहा है फेस लॉक रखने के बाद में एनिमेशन कैसा आना चाहिए, फेस लॉक का एनिमेशन है, आप जब भी फेस लॉक लगा कर रखें तो इस तरह से एनिमेशन देखकर आप पता कर सकते हैं एनिमेशन आया मतलब फेस लॉक है बोलकर, इस तरह से आप फेस लॉक के एनिमेशन भी रख सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं, और चार्जिंग एनिमेशन, चार्जिंग लगाने के बाद कैसा आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने एनिमेशन आपके यहाँ पर चार्जिंग लगाने के मिलते हैं, तो उसको जो आपको अच्छा लगता है अप्लाई कर लेना। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं अभी 22 फीचर की, यूएसबी आप जब भी कनेक्ट करेंगे तो एनिमेशन कैसा आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तीन आपको एनिमेशन मिलते हैं यहाँ पर यूएसबी वाले, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। बात करते हैं 23 फीचर की, एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और एक स्टेप बैक आने के बाद स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, आप अभी फिलहाल ऑन है मतलब नॉन है ये, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ करने के बाद में कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी अप्लाई कर लिया, तो आप देख सकते हैं ऑन ऑफ करने के बाद में इस तरह से एक एनिमेशन आता है नीचे से, इधर से साइड से एक, इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। 24 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है साउंड, साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। यूज वॉल्यूम बटन टू सेट
एडजस्ट, ये क्या आपको होता है मीडिया है रिंगटोन है। अब मीडिया करेंगे ना तो आप जब भी वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप यहाँ पर रिंगटोन करेंगे ना तो जब भी आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप रिंगटोन ही कर लेना आप क्योंकि आपको साइलेंट करना है फोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ से साइलेंट भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। 25 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी साउंड पर क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद वाइब्रेट फॉर कॉल्स पर आपको क्लिक कर लेना है, ऑलवेज वाइब्रेट पर क्लिक कर लेना है। आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। बात करते हैं 26 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी साउंड पर क्लिक कर लेना है क्योंकि आपको और दो चार फीचर शायद मिलते हैं यहाँ पर। आप देख दें यहाँ पर डायल पैड टोन है, ये सारे साउंड्स को आपको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे ना तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको बता देता हूँ। आप इनको ऑन करेंगे तो टच करेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई भी टाइप करेंगे, अनलॉक करेंगे, लॉक करेंगे, तो मैसेज आने के बाद वगैरह वगैरह आपके स्पीकर से साउंड आता है और वाइब्रेट भी होता है आपका स्मार्टफोन बार बार। ये सब को ऑफ करेंगे तो वाइब्रेट मशीन भी ऑफ रहेगी, स्पीकर ऑफ रहेगा तो वहां से आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, तो इसलिए आप इसको ऑफ कर लेना। अब बात करते हैं 27 फीचर की, आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे बता देता हूँ। थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। पहली बार करेंगे तो इस तरह से आएगा, थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको आना है सेटिंग में, सेटिंग में नहीं कहीं भी आपको फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहां से लेकर हमको अबाउट तक चाहिए, इतना लॉन्ग स्क्रीनशॉट हमको चाहिए तो इतना कर लेना। थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है और उसके बाद यहां पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको दिखता है, इस पर क्लिक कर लेना है और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कितना चाहिए वो यहां से आप सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। और हमको चाहिए अबाउट तक चाहिए तो चलिए अबाउट तक इतना सेलेक्ट कर लिया और सेव पर क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं ये रहा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, पूरे यहाँ पर फीचर्स आ चुके हैं जो हमको चाहिए था, जितना चाहिए था लॉन्ग स्क्रीनशॉट सब कुछ आ चुका है। बात करते हैं 28 फीचर की, अगर आपको एक ही फोन में एक ही स्क्रीन में एक ही वक्त में दो दो एप्लीकेशन यूज करना है तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, यहाँ से आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन ओपन है, दो एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं और इसको आप नीचे ऊपर भी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आप दो दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं 29 फीचर की, तो आपको फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन में आप हो, दूसरे एप्लीकेशन में भी हो और आपको उस एप्लीकेशन में जाना तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक कर देना है, इस एप्लीकेशन में आएंगे वापस से उस एप्लीकेशन में जाना, तो इस तरह से आप डबल क्लिक करके मेनू बटन पर दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है, और नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा और ऐप एंड नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सी ऑल एप्स हैं, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको शो हो जाएंगे, सारे एप्लीकेशन आपके यहाँ पर दिखेंगे। कौन से एप्लीकेशन आने के बाद में, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर नहीं आना चाहिए वो क्लियर करके आप थक जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क्रोम को क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर अलो ऑल क्रोम नोटिफिकेशन है ना, यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करेंगे तो क्रोम से कोई भी मैसेज हमको आए यहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। अब बात करते हैं 31 फीचर की, 31 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है, और नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद और नीचे आना है, नीचे आने के बाद स्क्रीन टाइम दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। आप सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट यूज किया अपने स्मार्टफोन को वो भी यहाँ पर बता देगा, टोटल 16 मिनट यूज हुआ है सुबह से लेकर अभी तक स्मार्टफोन, तो 16 मिनट टुडे बता रहा है। और कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर यूज किया वो भी बता दे रहा है, यहाँ पर देख सकते सेटिंग 14 मिनट यूज हुआ है और कैमरा 1 मिनट और यूट्यूब 1 मिनट और एल्बम 1 मिनट, इस तरह से टाइमिंग भी बता देगा कौन सा एप्लीकेशन कितने मिनट यूज हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स बता देगा। बात करते हैं वापस से भी 32 फीचर की, क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में इस तरह से आएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाएंगे और आपको आना है एप्स एंड नोटिफिकेशन, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐप लोन, अगर आपको दो दो एप्लीकेशन यूज करना है तो इस तरह से आप दो दो एप्लीकेशन एक ही फोन में यूज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं दो एप्लीकेशन यूज करने के लिए, तो चलिए दो फेसबुक में कर लिया, इस तरह से आप दो दो फेसबुक भी यूज कर सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा रैम एंड स्टोरेज स्पेस, आपको रैम और स्टोरेज का स्पेस देखना है तो यहाँ से आप रैम और स्टोरेज का स्पेस देख सकते हैं। बात करते हैं वापस से भी 34 फीचर की, थोड़े हम यहाँ पर कैमरा की भी फीचर्स देख लेते हैं, कैमरा ओपन कर लेता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलता है नाइट मोड, आपको यहाँ पर नाइट मोड मिलता है, उसके बाद आप 2x तक जूम कर सकते हैं नाइट मोड के लिए, सॉरी 2x नहीं, आप कर सकते हैं 20x जूम कर सकते हैं नाइट मोड के लिए। और उसके अलावा आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप पैनो नाइट ऑन भी इसको इस मोड को क्लिक करके इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं नाइट मोड में, और ये रहा इसको भी क्लिक कर लेना, इसको भी ऑन कर लेना वगैरह वगैरह। आपको कुछ यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, स्टाइल पर क्लिक कर लेना, यहाँ पर आप कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं इतने फिल्टर्स आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, तो चलिए
ये रहा 35 फीचर फिल्टर वाला, इतने फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इतने फिल्टर मिलते हैं, जो आपको फिल्टर मैच होता है अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर कर लेना। बात करते हैं 36 फीचर की, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड है, और पोर्ट्रेट मोड मतलब ये है आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, आप सामने ठहरे हैं कैमरा के सामने, फोन के सामने, बाजू में कुछ भी है वो ठीक से नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको ब्लर आप करना चाहते हैं तो ब्लर कर सकते हैं, आप इतना ही दिखाई देंगे फोटो में वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में वो भी आप कर लेना। और यहाँ पर AI मोड, इसको भी ऑन कर लेना, AI मोड भी यूज़ कर सकते हैं। HDR ये रहा 37 फीचर, 38 फीचर रहा HDR, इसको भी ऑन कर लेना, फोटो अच्छे से क्लिक हो जाएंगे। 38 फीचर की बात करने के लिए स्टाइल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर वो भी फिल्टर लगा सकती हैं, पोर्ट्रेट मोड के भी फिल्टर्स आप यहाँ पर कुछ अलग फिल्टर मिलेंगे, और इसकी कैपेसिटी को भी कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिल्टर्स आपको अलग अलग तरह तरह के फिल्टर मिल रहे हैं, स्टाइल्स है वगैरह वगैरह, लाइट इफेक्ट है वो भी आप कर सकते हैं। ये रहा 39 फीचर, तो ये रहा लाइट इफेक्ट, ये भी आप कर लेना, इसको भी आप सेलेक्ट कर लेना, यूज़ करना है AI मोड, इसको जरूर ऑन कर लेना। और बात करते हैं और फीचर की, तो अब बात करते हैं 40 फीचर की, यहाँ पर ब्यूटी है आप देख सकते हैं, आप ब्यूटी भी लगा सकते हैं फेस को, आपके फेस अच्छा दिखेगा कैमरे में, आप जब फोटो क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने आपको फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत सारे मोड मिलते हैं, आप कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर वो सब कुछ कर लेना जो आपको अच्छा लगता है आपके फेस को, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 41 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है बॉक्स, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप है ना, ये भी आपको कुछ अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, ये भी इसको भी ऑन कर लेना, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी हाँ, तो चलिए इसको भी यूज़ कर लेना, पोर्ट्रेट मोड के इतने फीचर्स आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, ज़रूर यूज़ कर लेना, बेहतरीन फीचर्स हैं। अब बात करते हैं 42 फीचर की, तो यहाँ पर आते हैं मेन फोटो मोड, फोटो मोड में आएंगे तो आप सबसे पहली चीज़ तो इसमें कर सकते हैं 20x जूम कर सकते हैं, बेहतरीन फीचर्स आप बेहतरीन शॉट्स ले सकते हैं, बहुत दूर तक का ये स्मार्टफोन में हमारे फोन में दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको देख सकते हैं 42 फीचर की बात करने के लिए फिल्टर्स है, आप फोटो के कुछ और आपको अलग अलग फिल्टर्स मिल रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को भी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, 100 तक कैपेसिटी आपको मिलेंगे, और इतने आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फीचर मिलते हैं, मतलब फिल्टर्स मिलते हैं यहाँ पर फोटो मोड के, और लाइट इफेक्ट है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं फोटो में भी आपको फोटो मोड में भी लाइट इफेक्ट मिलते हैं, अलग अलग तरह तरह के आपको फिल्टर्स मिलते हैं, और जरूर यूज कर लेना। यहां पर बात करते हैं 44 फीचर की, तो यहां पर आप देख सकते हैं HDR, इसको भी ऑन कर लेना, ये तो आप HDR AI ये भी सब कुछ आपको बताया हूं, ये ग्लोब को क्लिक कर लेना, यहां से इसको टर्न ऑन कर लेना, टर्न ऑन, ये सुपर माइक्रो मोड है, माइक्रो मोड है ये, आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं, टर्न ऑन भी कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो माइक्रो मोड को आप क्लिक करना चाहते हैं, माइक्रो मोड में क्लिक करते हैं स्मार्ट मतलब फोटोज तो टर्न ऑन कर लेना, कोई बुरा अमल तो नहीं है, मतलब चलिए ठीक है। अब बात करें और 45 फीचर की, तो यहाँ पर फ्लैश लाइट हो, यहाँ से इसको टर्न ऑन कर लेना, आप देख सकते हैं इस पर आप जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, आप इसको फील लाइट भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो आपको टर्न ऑन कर लेना है, जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं तब डायरेक्ट फ्लैश लाइट ओपन हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं और 46 फीचर की, तो यहाँ पर थ्री लाइंस पर आपको क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, लाइंस आएंगे, ये तो उतनी खास फीचर्स तो नहीं है। तो चलिए 46 फीचर की बात करते हैं एक और बार, काउंट डाउन है यहाँ पर, आप 3 सेकंड कर सकते हैं, 5 सेकंड कर सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं, आप 3 सेकंड करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त इस तरह से 3 सेकंड का टाइम आएगा, 3 सेकंड के बाद टाइम मतलब फोटो क्लिक हो जाएगा। उसके अलावा और बात करते हैं भी 47 फीचर की, तो यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे और फ्रेम, फोटो का साइज कैसे आना चाहिए, किस साइज में फोटो क्लिक होना चाहिए आपका, वो फोटो का फ्रेम भी आप मतलब फोटो का साइज भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको साइज में चाहिए फोटो वो कर लेना। तो चलिए और बात करते हैं 48 फीचर की, तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको सेटिंग दिख रहा होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद मिरर सेल्फी है ये ऑफ है, तो मतलब इसको ऑफ ही कर लेना है, आपकी सेल्फी जो आप सेल्फी क्लिक करेंगे वो मिरर नहीं होगी। बात करते हैं 49 फीचर की, तो यहाँ पर लोकेशन इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना, और सुपर वाइड एंगल है इसको भी ऑन कर लेना अगर ऑफ है तो। और आते हैं नीचे, अब बात करते हैं 50 फीचर की, यहाँ पर वाटर मार्क है इस पर क्लिक कर लेना है, टाइम वाटर मार्क है ये क्या आपको बता देता हूँ, जब भी फोटो क्लिक करेंगे तो किस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया है वो फोटो के कोने में बता देगा। मॉडल वाटर मार्क है इस पर क्लिक करके आप है ना मॉडल वाटर मार्क जो फोन से आप फोटो क्लिक किया वो भी बता देगा मॉडल नंबर। और कस्टम वाटर मार्क है, आप अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, आप जो नाम डालेंगे वो नाम फोटो के कोने में दिखाई देगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। बात करते हैं 51 फीचर की, तो एक स्टेप बैक आने के बाद में इसी कैमरा सेटिंग में शूटर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर टच इसको ऑन कर लेना, आप टच करेंगे कैमरा ओपन करके स्क्रीन पर कहीं भी तो फोटो क्लिक हो जाएगा, और वॉइस इसको भी दोनों को ऑन कर लेना, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना वॉइस को भी,
तो वैसे भी आप वगैरह फोटो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं, बैक और इसी सेटिंग में हम जाएंगे तो और देखें और नीचे आते हैं, बात करते हैं 52 फीचर की। और यहाँ पर आपको दिख रहा है पोर्ट्रेट फ्रेमिंग है, इसको ऑन कर लेना, और रिमूव मोड्स ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना। बात करते हैं 54 फीचर की, तो और देखेंगे हम यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेना या ऑफ है। तो चलिए मेकअप का है तो चलिए बैक आते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो मोड में आएंगे हम, तो यहाँ पर सुपर स्टडी मोड अल्ट्रा स्टेबल है, और टर्न ऑफ तो मत करना, अल्ट्रा स्टेबल इसको ऑन कर लेना। आप अल्ट्रा स्टेबल में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ऑन ऑफ का फीचर आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इधर ही ऑन ऑफ हो जाएगा। और बात करते हैं 56 फीचर की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थ्री लाइन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मूवीज आपको इस पर क्लिक कर लेना है, शूट इन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मोड आपको साइज का मोड है, ये आप जो आपको साइज अच्छा लगता है शूट करते वक्त वो भी आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। करते हैं बैक, यहाँ पर आपको दिख रहा है थ्री लेंस पर आपको क्लिक करना है, और इतने सेटिंग्स हो गए। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं 57 फीचर की, बात करने के लिए मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये फ्लैश लाइट ऑन ही हो चुका है, तो चलिए मोर पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं 48 MP मोड है, और उसके अलावा लाइव फोटो मोड है, उसके अलावा स्लो मो है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, AI स्टिकर्स है, सुपर मून है, इतने आपको मोड्स यहाँ पर वगैरह वगैरह फीचर्स मिलते हैं। आप इन जो आपको मोड्स वगैरह अच्छे लगते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और फोटोस और वीडियोस बेहतरीन तरीके से बेहतरीन फिल्टर्स वगैरह लगाकर शॉर्ट क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 58 फीचर की। 58 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको एक आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐसे इसको एग्री में हो जाना है, एग्री हो जाना है, इस पर क्लिक करके एग्री हो जाना है। यहाँ से ये स्कैन हो जाता है, ये स्कैन होने के बाद में अगर आपका स्मार्टफोन लैग होने लगेगा तो इस सेटिंग में आकर ऑप्टोमाइज कर लेना। ऑप्टोमाइज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन वापस से और भी स्पीड हो जाएगा, लैग वगैरह होता है तो बंद हो जाएगा, इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं 59 फीचर की, तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, और तो चलिए इस तरह से हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, और होम सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बबल्स, यहाँ पर बबल्स ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। बबल्स मतलब आप फेसबुक का मैसेंजर यूज़ किया होगा, इस तरह से बबल्स आता है ना, उस तरह से वो भी एप्लीकेशन बबल्स में ओपन हो जाएंगे मैसेंजर वाले। 60 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, और सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप डोंट शो भी कर सकते हैं। हम डोंट शो करेंगे ना तो लॉक स्क्रीन पर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा। आप शो भी कर सकते हैं, आप शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं, नहीं तो आप हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। इसी सेटिंग में बात करते हैं और 61 फीचर की, और नीचे आना है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। एक आपको बताता हूँ, आप लॉक करके रखें फोन को, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह आपका स्क्रीन ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन होना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। 62 फीचर की बात करेंगे, उसी सेटिंग ठीक नीचे दिख रहा है हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार, आप जो क्लियर करने वाले नोटिफिकेशन होते हैं ना वो यहाँ पर वो हाइड हो जाएंगे, उसके आइकन से यहाँ पर नहीं बता देंगे, उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 63 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहा है यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड्स, ये आप नंबर कर सकते हैं, आप डॉट कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको फॉर एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप से आपको 50 मैसेज आ गए तो आप नंबर करेंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर एक 50 बता देगा, आप डॉट करेंगे तो डॉट बता देगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। 64 फीचर की बात करने के लिए एकदम लास्ट में आपको दिख रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, ये क्या आपको बताते हैं इसको टर्न ऑन कर लेना। ये क्या आपको बताते हैं फॉर एग्जाम्पल आप मीटिंग में रहते हैं, आप कॉल मैसेज आने के बाद डिस्टर्ब होते हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके मीटिंग में बैठना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा, जो आपको अच्छा लगे जब भी आप मीटिंग में रहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। 65 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी, इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्मार्ट मेंशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है रेस्ट टू वेक, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप फोन को जेब में या टेबल पर कहीं भी रखें, जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम, जाएंगे सेटिंग में और उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है, इसी सेटिंग में आना है। डबल टैप टू वेक, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपका फोन हाथ में ही है और ऑन करना है स्क्रीन को तो डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। और फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, एक आपको बता दूं स्मार्टफोन हाथ में है और आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑफ करने की जरूरत नहीं, इस तरह से आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो आपका इस तरह से स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं और फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आना है और आपको दिख रहा है स्मार्ट मेंशन, इस पर क्लिक कर लेना है। स्मार्ट ब्रेक पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप टू
अनलॉक है, स्वाइप अप टू अनलॉक, मतलब आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर आप हैं, इस तरह से आप स्वाइप अप करेंगे, उंगली लेकर जाएंगे ऊपर तो डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। और फीचर की बात करेंगे, स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है और आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो नीचे लेकर आएंगे उंगली तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। और फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ सी है और ड्रॉ एम है, उसके अलावा वगैरह वगैरह आपके यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। फीचर की बात करने के लिए तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए आते हैं बैक। बैक आने के बाद और हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग जाते हैं और उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। कहाँ चले गई सेटिंग, तो चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखता होगा स्मार्ट मेंशन, इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट कॉल पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना, इसको ऑन कर लेना स्मार्ट कॉल को, तो आपको जब भी कॉल आता है तो आप सीधे कान के पास लेकर जाना है फोन को, ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। आपको इस तरह से क्लिक करके ऑन करने की मतलब रिसीव करने की जरूरत नहीं। और आपके यहाँ पर दिख रहा है स्मार्ट म्यूट है, आपको जब भी कॉल आता है तो आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो रिंगटोन बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है, तो आपको क्या करना है फ्लिप करना है फोन को, रिंगटोन म्यूट हो जाएगा, कॉल तो आता ही रहेगा। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है क्विक एक्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है आप, है ना, यहाँ पर टर्न ऑफ फ्लैश लाइट है। लॉक स्क्रीन पर हैं आप तो आप वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अभी फ्लैश लाइट ओपन हो रही है, इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन ऐप कर लेना, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल लेते हैं मैसेंजर को, तो लॉक स्क्रीन पर आप हैं वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, सेटिंग में जाकर उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर दिख रहा है इजी टच, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से ऑन करेंगे ना तो एक बटन यहाँ पर निकल कर आएगा, यहाँ से फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सर्च कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। और ये इसका तो अभी थीम इस तरह से, इस पर क्लिक करके आप इसका स्क्रीन मतलब थीम चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो थीम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। और फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी, इसी सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप को, फेसबुक मैसेंजर को, लाइन को है, वाइबर को है, जोलो को, इतने एप्लीकेशन को आपको वीडियो कॉलिंग की ब्यूटी ये फीचर मिल जाता है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और चलिए और उसी सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन है, इनकमिंग कॉल्स और मैसेज, आप इनको ऑन करेंगे तो कॉल आता है तो भी फ्लैशलाइट लगेगी और मैसेज आता है तो भी फ्लैशलाइट लगेगी, इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, सेटिंग में जाकर उसी शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। आने के बाद और नीचे आना है, यहाँ पर 100 मोड है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना, इस तरह से आप करेंगे ना तो आप देख सकते हैं 100 मोड यूज़ कर सकते हैं, छोटा स्क्रीन यूज़ हो जाएगा, इस तरह से आप 100 मोड भी यूज़ कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन में। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और आना नीचे और शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी इसी सेटिंग में आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना, यहाँ पर आपको दिखता होगा एकदम लास्ट में एसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिमो एनिमेशन है, इसको ऑन कर लेना, आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाएगा, कोई भी एनिमेशन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इसको ऑफ करके एक बार बता देता हूँ, एनिमेशन आ रहा है ना, तो आप देख सकते हैं इसको ऑन करेंगे तो एनिमेशन नहीं आएगा। और फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में आपके यहाँ पर दिख रहा है पावर बटन एंड कॉल, इसको ऑन कर लेना, आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। और नीचे आना है, एकदम लास्ट में आपको दिख रहा है हाई कॉन्टेक्स्ट टेस्ट है, आप इस तरह से अपने टेस्ट को हाई कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट को हाई कर सकते हैं लाइटिंग की तरह, जैसा आपको अच्छा लगे, जो फ़ॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको आना है नीचे शॉर्टकट्स एंड एसिबिलिटी से सेटिंग में आना है। और नीचे आने के बाद ये तो सारे फीचर्स हमने देख लिया और नीचे आना है, यहाँ पर एकदम लास्ट में सिस्टम दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बैक बटन इधर है और मेनू बटन इधर है, इसका जगह इधर, इसका जगह इधर करेंगे, नहीं तो पूरा बटन से हाइड कर चुके हैं। और फीचर की बात करने के लिए और जाना है आपको सेटिंग में, एकदम लास्ट में आना है, यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये बैक बटन है, होम बटन है, मेनू बटन, इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जेस्टर नेविगेशन कर लेना और चले जाएंगे, बटन हाइड हो जाएंगे, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से इतना कर लेना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके बस इतना करना है, यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद और देखेंगे हम यहाँ पर और फीचर की बात करने के लिए
यहाँ तो सारी फीचर्स हो गए, हमने तो यहाँ पर इतनी फीचर्स आपको बता दिया। फाइंड माय डिवाइस सिक्योरिटी में आना है और फाइंड माय डिवाइस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना, ऑफ है तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है, तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। नोटिफिकेशन पैनल में कुछ फीचर्स यहाँ पर हम देखें, तो चलिए सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ से आप फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, एस कैप्चर मिलेगा आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एस कैप्चर से, और रिकॉर्ड एनिमेशन है, और लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वगैरह वगैरह, फनी स्क्रीनशॉट, यहाँ से इतनी फीचर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा और फीचर की बात करने के लिए आई रोटेशन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, डार्क मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर आते हैं साइड में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ तक यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वो तो बता दिया। उसके अलावा यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन, दो स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा पहले, वो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके और भी बटन्स को आप हाइड कर सकते हैं, स्मॉल स्क्रीन मतलब वन हैंडेड मोड आपको बता देना फीचर, वो भी आप यहां से यूज कर सकते हैं, इसको ऊपर ले लेना। उसके अलावा एक और कमाल की फीचर आपको यहां पर बता देता हूं, आना यहां पर इसी सेटिंग में, यहाँ पर दिखता होगा आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको एग्री हो जाना है इस आइकॉन में, और कैंसिल क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ऑन करेंगे ना तो स्क्रीन टाइम है और पिकअप टाइम्स है, आप सुबह से अभी तक कितनी बार स्मार्टफोन को लिया है वो भी डिटेल्स बता देगा, कितने बार इसे इस तरह से रखकर फ़ोन को वापस से लिया है, कितने बार पिक किया अपने स्मार्टफोन को, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स बता देगा। तो चलिए अभी भी यहाँ से आप देख सकते हैं 40 बार सुबह से अभी तक फ़ोन को उठाया हूँ, 40 बार लिया हूँ फ़ोन को, और 42 मिनट्स यूज़ किया अपने स्मार्टफोन को, इस तरह से वो सब कुछ डिटेल्स बता देगा। आप किसी को स्मार्टफोन दे रहे हैं तो कितने मिनट्स यूज़ किया आप देखना चाहते हैं, कितने बार लिया वो स्मार्टफोन वो देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ से आप इस सेटिंग में आना है, इस पर क्लिक करके नीचे से यहाँ पर आप खामोश देख सकते हैं कितनी बार यूज किया, कितने घंटे यूज किया स्मार्टफोन बोलकर। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहां से हम होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आना है, यहां पर होम सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन, ये क्या आपको बताता हूं, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं नया एप्लीकेशन वो यहां पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, यहां पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो इसको ऑन कर लेना इस सेटिंग को, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है, यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना, नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे ना तो आप बस इतना करना है होम स्क्रीन पर आकर नोटिफिकेशन पैनल निकाल सकते हैं आप इतना करके। और फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आएंगे, आने के बाद और आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, और फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको आना है यहाँ पर सेटिंग में, और फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको जाना है उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है, लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आप क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, आप कुछ भी डालो वो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से बता देगा, वो नाम यहाँ पर बता रहे ना, इस तरह से आप नंबर नाम कुछ भी डाल कर रख सकते हैं, लॉक स्क्रीन पर वो बता देगा। तो चलिए ये रहे इतनी फीचर आपको बता दिया मैं,